हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो आज हम पोहा बनाने जा रहे हैं। ये हमारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जो कि जल्दी ही मिनटों में तैयार हो जाता है और सबका फेवरेट भी है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक। हमने पोहा लिया है 2 कप जितना, ये मोटा पोहा है। मूंगफली के दाने लिए हैं 1/2 कप। ये ऑनियन मैंने एक चॉप किया है। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं 8 से 10। और ये ग्रीन चिली ली है जिसको मैंने चॉप किया है बारीक। एक नींबू लिया है जिसको मैंने काट दिया है। और ये कुछ शक्कर ली है 1/4 टेबल स्पून जितनी। और 1/2 टेबल स्पून मैंने राई और जीरा लिया है। और ये नमक है जिसको हम स्वादानुसार यूज करेंगे। और ये धनिया पत्ता लिया है गार्निशिंग के लिए। ये बारीक सेव है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये ऑयल 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम पोहे एक स्ट्रेनर में, चलनी में निकालेंगे और उसको ज़्यादा वॉश नहीं करना है, जस्ट पानी में थोड़ा सा वॉश करना है, जिसको हम ऊपर से जस्ट धोएंगे। नीचे बर्तन रखा है जिसे पूरा पानी नीचे इकट्ठा हो जाए और इसे आराम से धीरे धीरे इसके ऊपर पानी डालते रहिए। पोहे गीले हो जाएंगे और वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे और पानी गिरा देंगे। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें राई और जीरा डालेंगे। राई और जीरा गरम हो चुका है तब हम इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे। और ये सब हमको मीडियम फ्लेम पे करना है। ये हमने मूंगफली के दाने डाले हैं। इसको आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो। और इसमें वैसे भी ऑयल है तो इसमें रोस्ट हो जाता है। इसको 2 मिनट तक हमें चलाते रहना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें अनियंस डालेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ये हमने अनियंस डाल दिए इसमें। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो और भी उसमें वेजीज डाल सकते हो। देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। आप इसमें मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हो। ये हमने शक्कर ली है, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे इसमें। शक्कर से इसके सारे जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें पोहे डालेंगे। देखिए पोहे एकदम अलग हो चुके हैं, एक एक दाना अलग हो चुका है इसका। इसको पानी में ज्यादा देर के लिए हमको नहीं रखना है, जस्ट ऊपर से ही पानी डालना है। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको स्लोली एकदम अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। पोहे कितने सुंदर लग रहे हैं और एकदम एक एक दाना अलग हो जाता है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हम इसमें बाद में डालते हैं। और नींबू, नींबू के बिना तो पोहे अधूरे ही है। सो नींबू हमने आधा ही डाला है फिलहाल। तब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और वो भी स्लो फ्लेम पर।
आफ्टर 2 मिनट्स आप देखिए इसमें कितना अच्छा सारा कलर एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो नाउ इट्स रेडी, वी कैन ऐड कोरिएंडर लीव्स। इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे हमें करना है ये। और फिर हम नींबू ऐड करेंगे फिर से, जो आधा नींबू हमारा बचा था वो हम ऐड करेंगे। एंड देन हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारे पोहे तैयार हो चुके हैं, मिनटों में तैयार हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, हस्बैंड को सुबह हम लोग नाश्ता कर सकते हैं, हस्बैंड को टिफिन में दे सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल रेसिपी एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। एंड यू कैन गार्निश इट। देखिए मैंने इसमें एकदम बारीक सेव डाली है, आप चाहो तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो। थैंक यू।